तो बोलो दीनानाथ। अब क्या बताएं सरकार, आप हमें कुछ करने भी तो नहीं देते। चार लठैत भेज दें बस्ती में तो डोर डंगर की तरह हंकार कर ले आएंगे सबको खेतों पर, सब के सब काम पर लग जाएंगे। इन लोगों की क्या मजाल के सरकार की जमीन पर बेगारी करने से इनकार कर दें? अरे नहीं भाई, जोर जबरदस्ती का जमाना चला गया दीनानाथ, अब तो कानूनबाजी का जमाना है। और कानूनबाजी में कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। अब ये लोग कानूनबाजी करेंगे, वो भी आपसे जिनका दिया खाते हैं लोग। सब अपनी किस्मत का खाते हैं दीनानाथ। तुम चलो। लेकिन सरकार, खेतों की कटाई चटाई का क्या होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा पटवारी। तुम जरा उस कुंदन को इधर भेजो। कुंदन। हाँ, कहाँ है? हे कुंदन। हाँ, क्या ठाकुर बुला रहे हैं तुम्हें? अब हमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, वो कुछ करने वाले हैं। और सुन सुन। हाँ, वो चमारों ने मरा बैल उठाया कि नहीं वहाँ से? ना, उन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। क्यों? वो बोले कि पटवारी से कहो पहले पैसा दे फिर हाथ लगावेंगे। साले, खाल भी लेंगे और माल भी चाहिए। अच्छा तुझे मैं देखता हूँ। देखो, हम कहें कि कस्बे से कसाई बुला के उठवा लो, अब तो बाड़े में भी बदबू फैलने लगी है। क्या, अब तक वहीं पड़ा है पिछवाड़े में? और का, लहास को कौन हाथ लगा देगा? अच्छा तुझा, मैं देखता हूँ। गंगी, गंगी, ये कौन से नाले का पानी भर दिया लोटे में? सड़ांग आ रही है। क्या हुआ? अरे ये पानी कहाँ से दिया तूने? मटके से, सुबह ही तो भर लाई थी। अरे इतनी सड़ांग मार रहा है, देख तो मटके में कुछ गिरा तो नहीं। दिखा मटके में, अब क्या गिरेगा? अरे कोई चूहा हुआ ना गिरा हो, देख तो। मटके में भी वही बदबू है। मटकी छोड़, एक बाल्टी भरला ताजा पानी की। दवाई तो पी लो। दवा काहे से लूंगा बिना पानी के? तू जा पानी ले आ। जोकू, जोकू, जोकू रे, कौन? गीसु, आजा अंदर आजा। अरे क्या रे, तू तो खटिया पकड़ के बैठ गया है। राजा साहब बुलाए हैं। क्या है, काम क्या है? वो घोड़े की जीन का पट्टा टूट गया है, वही मरम्मत करवाएंगे। दो एक दिन में ठीक हो जाऊं तो आके कर दूंगा। अरे दो एक दिन क्या, वो तो अभी निकलने वाले हैं। घोड़ा वोड़ा सब तैयार खड़ा है।
अभी तो नहीं आ सकूंगा भाई, हालत तो देख ही रहे हो तुम मेरी। हाँ भाई, मैं तो देख ही रहा हूँ, परम मालिक भी तो समझे। जनावर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। गिरा नहीं, फेंका है, ठाकुर के आदमियों ने फेंका है। वो क्यों करने लगे ऐसा? याद नहीं, पिछले महीने पटवारी का बैल मर गया था और उसने राका को उठाने के लिए कहा था। हाँ, जब उसका बायकाट कर दिया था सारे चमारों ने। हाँ हाँ, कस्बे से कसाई बुलवा कर उठवाया था उसने। उस वक्त कहा तो था उसने कि तुम लोगों का हुक्का पानी बंद ना करा दूं तो कहना। वो क्या जानवर मारने गया होगा? अरे नहीं, उसी कसाई से कह के कुत्ता या गीदड़ फिकवा दिया होगा। हाँ, जहर देकर मरवा देते। तो जहर भी होगा पानी में? अरे भैया, पानी तो वैसे भी जहर हो गया, अब जो पिएगा क्या बचेगा? मर ही जाएगा। अब क्या होगा? भगवान ही जाने, कुएं में उतरना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, और क्या। बिना पानी के जिएंगे कैसे? ठाकुर तो एक लोटा ना देंगे अपने कुएं से। सब ठीक ठाक चल रहा है सरकार। मुंह खुलवाना हो तो नाक बंद करनी ही पड़ती है। अपने आप आएंगे खेतों पर बेगारी के लिए। अपने कुएं पर पहरा बिठवा दो, हमारी इजाजत के बिना कोई पानी नहीं भरेगा। आप कहें तो दूसरे दिन दूसरी मनादी भी करवा दूं सरकार। मजदूर जब बेगारी के लिए खेतों पर आने लगे तब मनादी करवा देना। जी, कहना कि उजरत के साथ एक मटका या एक बाल्टी पानी मुफ्त मिलेगा। कितना बड़ा मटका सरकार? अब मटका या बाल्टी सरकार? अबे उल्लू के पट्टे, एका कोनो कहे का बात है, जितना उठा सके उतना। चल दफा हो यहां से। जी। बाबा, बाबा। गंगी, गंगी, क्या हुआ बेटी? थोड़ा दूध चाहिए था बाबा, दो दिन से बुखार में पड़े भून रहे हैं, कुछ खावे तो पछता नहीं। और आज एक और जुल्म हो गया, दवा पीने तक को पानी नहीं है घर में। अरे हाँ, सुना है, सुना है कुएं में कोई जानवर गिर के मर गया। गिरा नहीं बाबा, गिराया है। सुना है पटवारी की शरारत है,
पटवारी की मैदाल कहाँ, ये सब ठाकुर की चाल है। वो तुम लोगों ने खेत पर बेकारी से मना कर दिया था ना, बस वही अब वो तुम सबको नथी करके ले जाने वाला है। रोज रोज कौन जाएगा नदी पर पानी लाने के लिए? चार को चल के जाओ, चार को चल के आओ। ले पिला दे खसम को। अभी पैसे नहीं है मेरे पास बाबा। पैसे किसने मांगे तेरे से? क्या इतनी देर कर दी तूने, यहाँ प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। क्या करती, कुएं में जानवर फेंक के सत्यानाश कर दिया है ठाकुरों ने। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, पटवारी ने करवाया होगा। अरे पटवारी ने नहीं, ठाकुर ने कराया है, खेतों पर मजूर बुलाने के लिए। ये क्या ले आई तू कसोरे में? दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए गडरिये के यहाँ से। हाँ पर पैसे, एक गरीब क्या दूसरे गरीब से पैसे लेगा। ये लो। बुखार तो उतरता ही नहीं, कमी नहीं होता। पानी का क्या होगा, प्यास बुझती ही नहीं, बुखार में और ज्यादा लगती है। कोई दूसरा कुआं भी तो नहीं है गांव में? है भी तो हमारे लिए थोड़ी है, एक ठाकुर का कुआं है, वहां कोई चढ़ने भी नहीं देगा। दूसरा साहू का है, वहां भी अपनी जात वालों के लिए एकदम मना है। मंदिर में जाके मांगो, शायद पुजारी को तरस आ जाए। वही सब बखत टंकी भरी रहती है पानी से। वो भी एक चंट आदमी है, मंदिर की सीढ़ियां तो चढ़ने नहीं देता, पानी कैसे दे देगा। बहुत ऊंची छोटी बांधता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मुजगेंद्रहारम श्रावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जोद्गुरुम नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारोप दिवामभागम पाणौमासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम हम देव देव।
गंगी है तू, झोंकू की जोरू। महाराज एक कृपा कर दो, महाराज एक मटका पानी दे दो। महाराज मेरा घर वाला बुखार में पड़ा भुन रहा है महाराज। क्यों, अरे तुम्हारे कुएं को क्या हुआ? वो तो भ्रष्ट हो गया महाराज। तुम्हारा कुआ भी भ्रष्ट होता है? अरे ठाकुर ने छू लिया था क्या? दो चार लोटा ही दे दो महाराज, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा बेचारा। अरे आप कहाँ को पीछे पीछे चली आ रही है? बस एक लोटा पानी महाराज। हमारा पानी तुझे भ्रष्ट नहीं कर देगा? याद नहीं है, एक बार हाथ लगाया था तो तूने पूरा चमार टोला इकट्ठा कर लिया था, सारे चमारों को बुला लाई थी। चल आ यहां से जा। क्यों ना दिया पानी पंडित ने? चल यही पानी पिला दे, नाक बंद करके दो घूंट पी लेता हूं। मत पियो ये पानी, सारा कुआं तो जहर हो गया है। सांझ हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब ठाकुर के कुएं से भर लाऊंगी पानी। चोरी मत करना गंगी, वरना सारे गांव के सामने खाल उधर देंगे ठाकुर। वैसे भी वहां कोई ना कोई हमेशा होता है पहरे पर। दिया क्यों जला रही है? दिया जला देने से रात हो जाएगी क्या? Thank you.
बस चलना तो हो गया। चलो ये कौन आ रही है पानी भरने? अभी क्या बता दे, रोज का वही, रोज का वही। खाने की क्या बात, खाना तो मैंने उनको लगा के परोस भी दिया। वो तो पीछे बैद जी के घर से हैं। अच्छा। अब यहाँ कौन आएगा? बाहर से यहाँ कोई नहीं आने वाला। चलो 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 भैया, तुम भी चलो। राम राम भौजी। राम राम भैया। राम राम। भाभी क्या बताऊँ, खाना परोसते ही ताजे पानी की प्यास लगाती है। और क्या, अभी शाम को ही पानी भरा था, सारा पानी मुँह धो के बहा दिया। कुआं पास में है ना, इसलिए होता तो पता चलता, जब खुद भर के लाना पड़ता। मुझे भी दे दो मेरे मरद को भी। अभी रुको ना, मैं अपनी भी मटकी भरती हूँ। थोड़ा इसमें भी डाल ले। ले भैया तेरे को तो छोड़, वो और निकालते हो। इसके साथ तो फिर पी जाते, तेरे बच्चे पी जाते। अभी मेरी मक्की भर दे, पहले मेरी मक्की। चल भर दे, इसमें भी डाल दे। अरे मेरा तो बहुत है बस। चलो बस चल जाए। ये भी काम हुआ सब। कौन है? कौन है वहां कुएं पर?